नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक विभागों का प्रेजेंटेशन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी विभागों की प्रेजेंटेशन को देखेंगे। 18 अप्रैल को सामाजिक सुरक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन है। समाज कल्याण महिला कल्याण विभाग भी इसमें शामिल होगा। 19 अप्रैल की अगर बात की जाए तो चिकित्सा स्वास्थ्य का प्रेजेंटेशन होगा। 20 तारीख को ग्राम विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन पेश किया जाएगा। 21 अप्रैल को नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन, 22 को शिक्षा माध्यमिक उच्च शिक्षा का प्रेजेंटेशन होगा। अनूप हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? प्रेजेंटेशन का सिलसिला बदस्तूर जारी है और विभागवार दिन भी बांटे गए। देखिए पूजा, सही बात है कि जिस तरीके से लगातार शुरुआती दौर में कृषि विभाग की बात करें या फिर अभी उसके बाद लगातार प्रेजेंटेशन का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समाज कल्याण विभाग का प्रेजेंटेशन देखेंगे, साथ ही साथ समाज कल्याण से जुड़े विभाग, चाहे महिला विभाग की बात करें, महिला कल्याण की विभाग की बात करें, सब वहां पर जो अधिकारी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अभी करीब 5:30 बजे प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण, संजीव गौड़ यहां पर राज्य मंत्री में उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ विभाग के प्रमुख सचिवों को बुलाया गया है। इस प्रेजेंटेशन में पूरी तरीके से जो 100 दिन का जो रूट मैप तैयार किया गया है, विभाग में क्या चल रहा है, 100 दिन में किस उस पर योजनाओं पे काम करना है, किस किस स्तर पे काम करना है, जमीन में कैसे उतरना है और जनता को सीधे कैसे लाभ पहुंचेगा, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था उसको देखते हुए क्या कुछ योजनाओं को और अपडेट करना है या फिर 100 दिन में किस तरीके से काम करना है। 100 दिन के बाद जब 90 दिन हो जाएंगे, 90 दिन में फिर प्रेजेंटेशन होगा हर विभाग का कि उस 90 दिनों में क्या काम हुआ है। उन 10 दिनों में सभी विभागों को लेखा जोखा मुख्यमंत्री को देना होगा। अभी थोड़ी देर में मंत्री पहुंचेंगे और प्रमुख सचिव जब बैठक करेंगे तो उसमें 100 दिन का रूट मैप तैयार क्या हुआ है, साथ ही साथ विभाग में क्या उपलब्धियां हैं अभी तक और जो पुरानी योजना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अनूप। फिर चाहे वो प्लान जो पुराने रह गए हैं उनको एग्जीक्यूट कराना हो या फिर नए सिरे से नए प्लान्स पर काम करना हो ताकि जनता लाभान्वित हो सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही आशीष मिश्रा को जमानत देने वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 4 अप्रैल को सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले को सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। इससे पहले वो 4 महीने तक हिरासत में रहा था, लेकिन 10 फरवरी को जमानत मिल गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ एक ही पक्ष को ध्यान में रखा जिसमें वेपन्स के यूज का जिक्र किया जा रहा है, जबकि कार से कुचलने वाले सिरे पर सुनवाई ही नहीं हुई थी। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए एक हाई प्रोफाइल मैटर में बेल कैंसिल किया, जो कि हाई कोर्ट के गलत निर्णय के द्वारा जो बेल दिया गया था उस पर सुनवाई होते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू की बेल कैंसिल कर दी और उनको एक सप्ताह के अंदर जो है कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कह दिया है। उनकी जो बेल बॉन्ड भी सारे जो है वो कर दिए गए हैं और आने वाले दिन में जब वो सरेंडर करेंगे उसके बाद वो हाईकोर्ट में अपना बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट का ये भी कहना था कि इसमें सारे लोगों के जो भी ग्रीवांस है उसको हाईकोर्ट को सुनना चाहिए, उसके बाद भी ही कोई उस बारे में बेल के बारे में निर्णय दे। मैं माननीय न्यायपालिका के से बहुत ही शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने जो फैसला लेना चाहिए था बहुत ही सही फैसला लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी वो दोषियों को सजा दिलवाने में पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ रहेंगे। और मैं न्यायपालिका से ये कहना चाहता हूं कि उनके जो दूसरे साथियों की जो भी जमानतें लगी हैं वो उनके ऊपर भी जो भी कार्रवाई की जाए वो बहुत ही सुरक्षित के हिसाब से की जाए और
न्यायपालिका लोगों का न्यायपालिका के ऊपर पूरा संपूर्ण भरोसा है और मैं उम्मीद मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका हम लोगों के हमेशा साथ रहेगी और वो दोषियों को सजा जरूर देगी, चाहे वो केंद्रीय मंत्री का बेटा हो चाहे वो कोई भी हो, सजा जो भी गुनाह करेगा न्यायपालिका उसको सजा जरूर देगी। आपको बता दें पीड़ित पक्ष की तरफ से दुष्यंत दवे केस लड़ रहे थे जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जेठमलानी वकील थे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा सुनिए। देखिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि जहां 8-8 लोगों की हत्या हो, एक किसानों की और एक पत्रकार की वहां हत्या हो, ऐसे घटना पर बेल मिल जाना तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ अन्याय, जिस तरह की बात कर रहे थे आपके राकेश टिकैत जी या सभी लोग कह रहे थे कि ये अन्याय हुआ, जी हाँ 8-8 लोगों की हत्या हुआ उसको बेल मिले, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। और किसानों को तभी न्याय मिलेगा जब जिस तरह 8 लोगों को जीप चढ़ा करके जो जांच SIT की हुई, जांच में जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पे, तो जब तक सजा न मिल जाए उनको तब तक हम तो यही कहेंगे जो कोर्ट ने फैसला किया वो सही किया है, आगे आने वाले दिनों में इनको सजा मिले। भारतीय किसान यूनियन के नेता और कृषि आंदोलन का चेहरा रहे राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट अपने पावर का इस्तेमाल करे तभी देश ठीक से चल सकता है। राकेश टिकैत ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा सुनिए। देखो काम ठीक कर रही सुप्रीम कोर्ट, इस पे निगरानी बनाए हुए है, वो मॉनिटरिंग इसको कर रहा है, इसको देख रहा है पूरे केस को, और उनको लगा कि जो बेल दी है उस पर कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर आंच आई थी, उसको पूरा साफ करा है और जो भी वो हुआ था, जो बेल मिली थी वो जो तथ्य थे उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं रखे इसलिए उनको बेल मिली। आज सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उसकी जमानत रद्द करी और एक हफ्ते में सरेंडर करने की बात करी, तो पूरा न्याय पर हमको विश्वास है पूरा और उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे किसानों को न्याय मिलेगा। किसान और वकीलों के माध्यम से हम अपनी बात वहां पर रखेंगे, फिर ये दोबारा इसकी हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, हम अपना पक्ष मजबूती के साथ में वहां पर रखें। सरकारों से भी है कि हमारा पक्ष, पीड़ित परिवारों का पक्ष, किसान का पक्ष सरकार भी वहां पर रखें। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आशीष मिश्रा की बेल खारिज होने के आदेश पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस बात को सही साबित कर दिया जो कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कह रही थी, जिसके लिए उन्होंने 3 रातें सीतापुर जेल में रुकी, सारा विपक्ष एकमत था, पीड़ित का परिवारजन जिसकी फरियाद कर रहा था। और आज भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी। ये पुराना प्रतिपादित सिद्धांत है कि पहली तो दुर्घटना माना जा सकता था जो पहली मौत हुई थी, पर आप भागने के लिए या आप जानबूझकर उनको कुचलते रहे, 8 लोग मारे गए तो वो सुनियोजित सोच समझकर की गई हत्या थी। लखनऊ में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आरएसएस के सदस्य सुरेश जोशी भैया जी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन में एक अलग ही छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा आज सभी देशों की नजर भारत की ओर है, आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है। बड़ा लोकतंत्र भारत है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन की अपनी एक अलग पहचान दुनिया के सामने प्रस्तुत की और भारत के प्रबंधन का लोहा दुनिया को मनवाने में सफलता प्राप्त की। एक तरफ इस सदी की महामारी
और दूसरी, आप देख रहे होंगे दुनिया में आज रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच जब शांति की बात आती है तो दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ पार्टी बना हुआ है, लेकिन शांति हर व्यक्ति चाहता है। उन स्थितियों में सबकी निगाह कहीं है तो भारत की ओर है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर है। हर एक राष्ट्राध्यक्ष इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी से संवाद स्थापित कर रहा है। सबका दृष्टिकोण यह है कि भारत की पहल का असर पड़ेगा, भारत की मध्यस्थता का असर पड़ेगा। आज भारत उस स्थिति में है कि दुनिया भारत के इन सभी कौशल और प्रबंधन का लोहा मान रही है, और यही कारण है कि भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है। देहरादून में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, जहां स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा पिला करके कार्यक्रम का आगाज किया है। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश भर में 43,55,000 बच्चों को ये दवा दी जाएगी, जिनमें 1 से 19 साल के हर बच्चे को दवा देने का लक्ष्य रखा गया है। जाके इस अभियान में हम तेजी ला रहे हैं, और आज जो कृमि दिवस है, आज हमने इस अभियान का शुभारंभ किया है, और मैं कह सकता हूँ कि 15 दिन में हम इस अभियान को पूरा करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी कि कुछ गांव में, अगर दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाने की, तो थोड़ा इस अभियान को बढ़ाया जाएगा, लेकिन 43 लाख बच्चों को, हम सब बच्चों को ये दवाई देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। हरिद्वार पहुंची विजिलेंस की टीम ने ऊर्जा निगम के SDO को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि SDO ने जगजीतपुर क्षेत्र में बिजली का नया कनेक्शन देने के एवज में एक व्यक्ति से 20,000 रूपए की मांग की थी। पीड़ित की ओर से विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराने के बाद टीम ने आरोपी SDO को जगजीतपुर क्षेत्र के सब स्टेशन पहुंचकर कार्रवाई करते हुए SDO संदीप शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। वहीं विभाग से दूसरे अधिकारी और कर्मचारी विजिलेंस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। लगभग 10 घंटे से उनसे पूछताछ हुई, और मुझे लग रहा है कि इसमें कोई साजिश है, क्योंकि विजिलेंस अगर उनके खिलाफ कुछ उनके पास सबूत था, तो वो सबूत चाहे वो 10 मिनट में हो, चाहे आधे घंटे में हो, चाहे 10 घंटे में हो, तो वो तो अगर कोई उनके अगेंस्ट कोई ठोस सबूत था तो वो आधे घंटे में उनके अगेंस्ट हो सकता था। साजिश इसलिए लग रही है ना, अगर वो मतलब उसमें पकड़े गए तो वो तो आधे घंटे में प्रूफ था। 10 घंटे में मान लो कोई आदमी अगर पैसा दे के पकड़ा जा रहा है तो वो तो आधे घंटे प्रूव, 10 मिनट में प्रूव हो जाएगा। अगर 10 घंटे से हमारे उपकरण अधिकारी मोदी को बैठा के रखा, उनसे पूछताछ की जा रही, तो इसका मतलब हम क्या समझे। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता चुने गए यशपाल आर्य ने विधानसभा में विधिवत नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अलावा 5 से 7 विधायक मौजूद रहे हैं। आपको बता दें, रविवार को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जब पदभार ग्रहण किया था, पार्टी में एकता के तमाम दावों के बाद भी स्वागत समारोह में 19 में से 11 विधायक गैर मौजूद रहे। इसकी सियासी गलियारों में खूब चर्चा रही। महारा के स्वागत कार्यक्रम में वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह, ममता राकेश, राजेंद्र भंडारी, विक्रम सिंह नेगी, फुरकान अहमद, मयूख महर, मदन सिंह बिष्ट, खुशाल सिंह अधिकारी, तिलक राज बेहड़, गोपाल सिंह राणा और प्रदेश प्रभारी पर खुलकर निशाना साध चुके विधायक हरीश धामी मौजूद नहीं थे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज हमारे सभी माननीय विधायक मौजूद थे। हमारे प्रभारी आदरणीय देवेंद्र राव, देवेंद्र यादव जी थे, माननीय हरीश राव जी थे। वरिष्ठ नेताओं के बीच में आज एक औपचारिक हमने पदभार ग्रहण किया है, और निश्चित रूप से एक आज भी कई हमारे सामने सवाल हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र रहा है, एजेंडा रहा है, पिछले 5 सालों का जो लेखा झोला है, लेखा जोखा है, उसमें कई खामियां हैं, वो घोषणा मात्र बनकर रह गई हैं। हम उन एजेंडे पे काम करेंगे, हम जनता की आवाज़ बनेंगे। हमने कहा कि हम विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे।
हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में लगी आग पर 24 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। टैंकरों के जरिए अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तपती धूप और भीषण गर्मी के बीच ट्रंचिंग ग्राउंड धधक रहा है। धुएं से आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी जीरो हो गई है और हर जगह केवल धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, जिससे लोगों का सांस लेना दुभर हो गया है। हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में हर रोज 130 टन कूड़ा हल्द्वानी, भीमताल और भवाली से डंप होता है। लगातार लगी इस आग से प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। नगर आयुक्त के मुताबिक आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। जब तक नगर निगम का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक ट्रंचिंग ग्राउंड का समाधान होना मुश्किल भी बताया जा रहा है। ट्रंचिंग ग्राउंड में हमारा जो सर का कूड़ा जाके डंप होता है, उसमें कल आग लग गई थी। यदि हमने उसका बुझाने का लगातार प्रयास, हमारे जो अग्निशमन विभाग है और हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी की निगरानी में उस बुझाने का प्रयास लगातार चल रहा है। कुछ क्षेत्रों में आग बुझा दी भी दी गई थी, लेकिन चूँकि उसमें कूड़े के अंदर से मीथेन गैस भी निकलती है और कुछ पुराने जो पॉलिथीन डंप हैं उसमें, तो उसमें आग पकड़ने से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन हमारा लगातार उसमें पानी का छिड़काव चल रहा है, इससे थोड़ा सा नियंत्रण में जरूर है, लेकिन अभी आगे आग पूरी तरह बुझ नहीं पाई है और हमारा प्रयास लगातार जारी है और संभवतः है एक दो दिन के अंदर आग बुझ जाएगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नए जोश के साथ 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। हरीश रावत ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने युवाओं को प्रदेश की कमान सौंपी है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अनुभवी यशपाल आर्य को जिम्मेदारी मिली है, जिसके साथ ही कांग्रेस सभी चुनौतियों को पार कर पाएगी। वहीं वो खुद 2027 तक कांग्रेस के सभी चुनौतियों को पार कर लेगी, ऐसा कह रहे हैं। समय के साथ और समय की चुनौतियों के साथ सारी नाराजगियां दूर हो जाएंगी, आप चिंता न करें। और जैसा लोग पहले आशंका प्रकट कर रहे थे, देखिए कितने सौहार्द से कल काम हुआ, उतने ही सौहार्द से आज भी हुआ। और पूरी कांग्रेस अब एक्शन मोड में है और धीरे धीरे सब लोग लगेंगे। हाँ, 2027 आप कुछ अब और क्या देख सकते हैं। और मैंने तो इसलिए भी कहा लोगों से 2027, क्योंकि अब हम तो लठ उठाने लायक केवल 2027 ही तक रहेंगे, उसके बाद तो फिर इतनी उम्र हो जाएगी, तब तो फिर ऊपर वाले को भगवान कहने का समय आएगा। तो इसलिए हमने लोगों से कहा कि भाई हमको आप एक भेंट के रूप में 2027 की लड़ाई दो। आयुष्मान योजना की चौथी वर्षगांठ पर उत्तराखंड में आज से स्वास्थ्य मेले कार्यक्रम का आगाज हो गया, जिसको लेकर राज्य के 95 विकास खंडों में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा। मेले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि भारत सरकार की यह योजना उत्तराखंड के लिए वरदान साबित हुई है, जिसमें पिछले 4 साल में 5 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिला है। हमारे राज्य के लिए वरदान सिद्ध हुई है और मैं कह सकता हूं कि 5,17,000 लोगों को अभी तक इसका जो है सीधे बेनिफिट मिल गया है। और इतनी बड़ी योजना यह है कि इस योजना में गरीब लोगों का सबसे बड़ा काम हो रहा है कि उनको निशुल्क इलाज मिले। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम है आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।